भाई का चैनल है और भाई को फुल सपोर्ट करो, पूरा यूपी इन्हें दिखाओ कि कितना पावर है सब कुछ। और भाई बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, मुंबई से है भाई, फिलहाल ताजमहल दिखा रहे हैं, इसके बाद देनी है सीधे जाएंगे मनाली, मनाली अच्छा दमदार कंटेंट आने वाला, बर्फ बर्फ दिखने, और सपोर्ट करो दमदार तरीके से, सब्सक्राइब का बटन तोड़ दो एकदम। हवा निकल गई कि है? नहीं नहीं है, बहुत सारी हवा है अभी, देख लो बहुत एंजॉय कर रहा है। राम राम जी मेरे YouTube की फैमिली, आशा करता हूँ आप लोग सारे अच्छे होंगे। आज आपको सात अजूबों में से एक अजूबा मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगा, जो कि अपने हिंदुस्तान के आगरा शहर और उत्तर प्रदेश के राज्य में स्थित है। तो आप जो फोटो देखते हैं ताजमहल की, वो दरअसल सामने का हिस्सा नहीं, वो पीछे का हिस्सा है। ताजमहल का जो सामने का हिस्सा है वो दक्षिण की तरफ मुड़ा हुआ। यदि आप सामने का हिस्सा देखना चाहते हैं ताजमहल का, तो मैं आपके लिए एक ही बात कहूँगा, आपको यमुना नदी की तरफ जाना होगा। और ताजमहल यमुना नदी से पूरी तरह से सटकर बना हुआ है, और जो सफ़ेद संगमरमर आप देखेंगे वहाँ जाने के बाद, आपको दिल में ऐसा महसूस होगा क्या ज़िंदगी होती है जो इंसान प्यार करते हैं, और जो प्यार करते हैं जिस इंसान के लिए, उसके लिए वो निशानी क्या देते हैं, वो आप ताजमहल से खुद के लिए समझ सकते हैं। जो वीडियो बनाते हैं, इनकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, हमें बहुत पसंद आती है, बहुत ही अच्छी वीडियो बनाते हैं। इस टाइम ये आगरा में आए हुए हैं ताजमहल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैंने ट्रेन ली थी वो लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई सिटी से लेकर के आगरा कैंट तक के लिए लिया था। जो मुझे टाइम लगा था जाने के लिए, क्योंकि मैंने एक्सप्रेस ट्रेन स्लीपर क्लास का टिकट लिया था, जिस पर मुझे टाइम टोटल लगा था 18 आवर्स ओनली, दैट्स ऑल। यदि आप जॉब करने के बाद आपको बोरिंग महसूस होता है कि जॉब है और लाइफ नहीं, तो आप बिल्कुल गलत है। आपके सबसे पहले सोचने का तरीका मैं बदलता हूँ। जिस दिन आपका पहला वीक ऑफ हो, उस वीक ऑफ में आप सारे काम निपटा लें और रेस्ट कर लें। जब भी आपका नेक्स्ट वीक ऑफ हो, उस पर आप प्लानिंग करें आपको कहाँ जाना है। दोस्तों ये जो आपको कैब्स के जो प्राइस दिखा रहे हैं, ये रेलवे स्टेशन आगरा कैंट से लेकर के ताजमहल तक है। यदि आप शेयरिंग ऑटो लेंगे तो आपको 60 रुपये तक लगेगा, यदि आप सिंगल ऑटो अपने लिए लेते हैं तो 100 रुपये तक लगेगा। मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ जो बाहरी हिस्सा है, जहाँ पर से हम लोग एंट्री लेते हैं ताजमहल। हाय गाइस, अभी मैंने टिकट ले लिया है। जो टिकट था इसका बहुत ही ईजी है, QR कोड मिला है, जिसको मैंने सिर्फ 250 रुपीज पे किया है, और अभी मुझे टिकट मिल चुका है। और अभी मैं भी एंट्री कर रहा हूँ, और मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हो मेरे बैक साइड में ये एंट्री गेट है, तो मैं आपको अभी एंट्री गेट दिखाऊंगा। और देख लो भाई, सुबह अर्ली मॉर्निंग है, क्लोज टू आई गेस चेक द टाइम 8:14 एक्चुअली। बता दूँ यदि आप ट्राईपोर्ट ला रहे हैं ना, तो ट्राईपोर्ट बिल्कुल भी मतलब यार, क्योंकि अलाउ नहीं करें, मेरा खुद का ट्राईपोर्ट है, नहीं ले जाने दे रहे हैं, तो मुझे सिर्फ कैमरा ले जाने दे रहे हैं। और यदि आप देख लो यहाँ पास सब चीज़ क्या क्या दिए है, एग्जैक्टली क्या क्या नहीं ले जा सकते, सब चीज़ दिया है। हाय गाइस, अभी आप देख सकते पूरी तरह से मैंने ताजमहल जाने के लिए एंट्री ले लिया, और अभी मैं आपको दिखाने वाला एंट्री गेट जहाँ से मैंने अभी एंट्री ली है। ये वो गेट है जहाँ से मैंने एंट्री लिया है, और ये गेट एग्जिट गेट भी है, यहाँ से आप बाहर भी जा सकते हैं। तो चलो अभी इस ब्लॉग में आपको दिखाएंगे ताजमहल, जो सात अजूबों में से एक है। यदि ताजमहल के अंदर की सुंदरता के बारे में बात की जाए, तो ये आप जो गार्डन देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत है, या आप पिक्चर्स बिना कहे हुए ले सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। और आपको बता दूं, जो मेरा फेवरेट ट्री है वो बनियान ट्री है। आप ज़्यादातर सारे मेरे ज़्यादातर जो भी ब्लॉग है उसमें आप बनियान ट्री देखें, क्योंकि मैं बचपन से मेरा वो फेवरेट रहा है, और वो ही मेरा ज़िंदगी भर रहेगा शायद। और उसके बाद मैं बनियान ट्री में, क्योंकि मैंने बचपन से बहुत झूला है, तो मेरा फेवरेट ट्री है एक्चुअली। सुबह इतनी सुबह भाई साहब, यहाँ तो मैं कहूँगा दोस्तों क्या नज़ारा है, बेहतरीन। सभी तरह अपने अपने तरह बिजी हैं फोटो क्लिक करने में, और ये बनियान ट्री, आई यूज टू स्विंग एक्चुअली विद बनियान ट्री। सी द ब्यूटी ऑफ बनियान ट्री, इज ओनली वन ट्री विच इज़ वेरी नाइस एक्चुअली। आपको बता दूँ, ताजमहल को देखने के लिए देश
और विदेश की पर्यटक हर साल बहुत से लोग ताजमहल देखने आते हैं। दूसरी चीज़ आपको बता दूं, जहां पास बात की जाए किसी भी विश्व धरोहर की तो ताजमहल उनमें से एक है। जैसे कि हर एक को पता है कि ताजमहल एक विश्व धरोहर के अंदर जो वर्ल्ड हेरिटेज आता है उस साइट्स में उसका नाम दर्ज है। ताजमहल तो अभी देख सकते हैं जो मेरे बैक साइड में ये मेन गेट है जो कि ताजमहल को जाता है, अभी हम लोग वहाँ जाने वाले। तो गाइस वीडियो देखते रहना, हम लोग अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं दोस्तों, मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनाया गया ताजमहल 1857 में अंग्रेजों द्वारा जो भी हीरे लगाए गए थे सम्राट शाहजहां की तरफ से, इस ताजमहल में उन सारे हीरों को अंग्रेजों ने निकाल लिया था। बात की जाए आपकी अंतर आत्मा की तो ये जगह वो जगह है जहाँ से आप सेल्फी ले सकते हैं और यहाँ से सुपर एंड डुपर आपकी फ़ोटो आएगी। तो जब भी जाए ताजमहल तो इस जगह पर जरूर सेल्फी लें, क्योंकि दुनिया की कोई भी सेलिब्रिटी ताजमहल विजिट करने आती है तो यही सबसे पहले फ़ोटो लेती, क्योंकि यहाँ से पूरा व्यू आता है ताजमहल का। और दूसरी तरफ यदि आप और भी क्लोज जाना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप सेल्फी ले सकते हैं। हाय गाइस, देख सकते हो अभी हम लोग आ चुके हैं ताजमहल और दिखा रहे हैं ताजमहल की ब्यूटी। क्या खूबसूरत बनाया है भाई, पीछे देखो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्त। और इतने समय जो वेदर यहाँ का बहुत ही अच्छा है। और दूसरी चीज़ आपको बता दूँ, जो ताजमहल की इतने समय सुंदरता वो पूरा वाइट दिख रहा है एक्चुअली, विच आई लव इट। एक्सक्यूज सर, can hold this camera like this and I'm gonna show the beauty of this camera. Okay, backside. You can just hold this camera from here. Come. If you don't wanna come? Yeah, can I hold this camera for a second? You don't wanna see? Excuse me, madam. If you don't mind, can I hold this camera for a second? Okay, camera is backside. Sorry. Never, okay? Because I'm a blogger, I'm going to blog something. So hold for a few seconds. I'm not gonna take more time. Hi, hi. जहाँ तक बात की जाए ताजमहल को, आपको बता देना चाहूँगा ताजमहल दिन में 3 बार रंग बदलता है। ताजमहल सुबह गुलाबी रंग का नज़र आता है और दिन को सफ़ेद और रात को सुनहरा नज़र आता है। तो यदि आप सुबह जा रहे हैं तो ज़रूर ये सब चीज़ आप नोटिस करें। बिल्कुल ये कलर आप तभी देख सकते हैं जिस दिन मौसम पूरी तरह से साफ हो, अन्यथा आपको सफ़ेद कलर ही देखने को मिलेगा। यहाँ से जो सबसे अच्छा व्यू है दोस्तों, यहाँ पास सेल्फी पॉइंट तो नहीं कह सकते इसको, यहाँ पास अपना है मतलब उसके लेबल में ही जस्ट ताजमहल के सामने। और देख लो क्या फाड़ू व्यू आ रहा है, इतने समय फॉग है लिटिल बिट। आपको बताता चलो, यदि आपको जो मैंने कलर बताया ताजमहल के जिस दिन आप घूमने जाते हो उस दिन नहीं दिखाई देते, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम शायद मैं अपनी बुआ के साथ घूमने जाऊंगा ताजमहल, तो हो सके उस दिन आ जाए मेरी बुआ को देख करके, तो नेक्स्ट टाइम जरूर ये करूंगा। हम लोग ताजमहल के एकदम बिल्कुल क्लोज वाले व्यू में चलेंगे और वहाँ ताजमहल दिखाएंगे कितना खूबसूरत है, क्योंकि वो संगमरमर से बना है भाई। और जो फीलिंग से आ रहा है एकदम वेरी कोल्ड, क्योंकि देख लो सारे जो भी यहाँ मतलब विजिटर्स हैं सारे क्लोथ वार्म पहने हुए हैं। और हम लोग चलते हैं, क्या मज़ा आया भाई आज के इस ब्लॉग में, सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि दुनिया के 7 अजूबों में से एक है जिसका नाम ताजमहल है। और यहाँ देख लो जो ये ट्री लगे हुए ना, आई लव दिस ट्री एक्चुअली। वेयर आई वाज चाइल्ड एंड आई वाज यू नो लर्निंग अबाउट ताजमहल, सो आई वाज थिंकिंग वन डे आई एम गोना विजिट। नाउ व्हाट टुडे व्हाट जस्ट हैपेंड आई कैन इमेजिन, so we're gonna go. I don't know the way how to go about it. सबसे अहम जानकारी आपको बता दूं, जो सम्राट शाहजहां की जो बीवी का नाम था मुमताज महल था और ये उन्हीं के नाम से इनका ताजमहल बनाया गया, ताज महल। आपको बता दूं जो भी हम लोग पिक्चर्स में ताजमहल देखते हैं वो एक्चुअल में वो फेसिंग साइड वो उसका मतलब जो मतलब फ्रंट गेट है ना वो नहीं है। अभी फ्रंट गेट की तरफ हम लोग आए हुए हैं जो इसका फ्रंट गेट है और ये ताजमहल का फ्रंट गेट है, क्योंकि जो हम लोग देखते हैं फोटो में वो ताजमहल पीछे का हिस्सा होता है ना कि सामने का। सामने का हिस्सा ये है जहाँ पास अभी मैं खड़ा हूँ, तो ये सामने का हिस्सा है जिस पर हम लोग अभी मैं आ चुका हूँ, देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात दोस्तों आपको बता दूँ,
ये जो ताजमहल बना हुआ है वो एक होली वाटर्स रिवर के बिल्कुल साइड से बना हुआ है, जिसका नाम यमुना रिवर्स है। यमुना रिवर्स मतलब यमुना नदी। दूसरी बात आपको बता दूँ, एक ये पवित्र जल है जिसमें से हिंदू धर्म अपने देवी देवताओं को स्नान करवाते हैं उस गंगा जल से। ये जो अपना ताजमहल बना हुआ है यमुना नदी के एकदम सट करके बना हुआ, देख सकते हो यमुना रिवर पानी अभी बह रही है तो पूरी तरह से। और ये अपना ताजमहल है जो एकदम एकदम सटीक जगह से एकदम बना हुआ है, क्योंकि उन लोगों का जब बनवाया होगा उन्होंने ये सोचा होगा कि आने जाने के लिए जो भी सुविधाएं उतनी समय में रही होंगी वो उनके लिए परफेक्ट रहा होगा, इसलिए उन्होंने ये सोचा होगा। हम लोग अभी मेन गेट पर आ गए, ताजमहल के मेन गेट पर हम लोग अभी ऊपर जाने वाले हैं। जो उसका टिकट लगा मैं आपको बता दूं गाइस, वो 250 रुपीस लगा, कोई एक्स्ट्रा आपको चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। जा रहा है दोस्तों, प्योर संगमरमर है, प्योर संगमरमर, और माँ कसम से हम लोग जो पिक्चर्स में देखते हैं ना उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। और इतने बड़े बड़े इतने पत्थर लगे हुए हैं इसका कोई जवाब नहीं। हाँ, और आपको बता दूँ ये जो ताजमहल आपको दिख रहा है ये अभी पीछे का हिस्सा है। यहाँ पीछे के हिस्से से आप देखेंगे लेफ्ट और राइट और सामने की तरफ आपको पूरा मेन गेट दिखेगा पीछे के हिस्से से। और दूसरी चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पास आपको खड़े होने से एक अलग ही फीलिंग आएगी जो आप देख सकते हैं। Hi guys, I hope I have showed all like points of Taj Mahal. And if you really like my video, just go ahead and smash the like button. And don't forget to subscribe this channel. If you are a lover of social media channel, just go ahead, just share this video on every platform, so probably who are not visited till now. And if they haven't realized the beauty of Taj Mahal, this is the best way. Just visit and take pictures and take your memories for forever, maybe. Because it's a gorgeous look and day is very cloudy, and see the power of love. What just happened actually in our country, it is the province of Uttar Pradesh where I was born actually. So this is the place where I was born. गाइस, जो यहाँ पास आने के बाद ऐसा लगा मुझे कि ज़िंदगी में जो मतलब ब्यूटी है और जो सात अजूबों में से एक है जो अपना देश है इंडिया, और इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ये जो सिटी का नाम है जिसका नाम आगरा, और ये आगरा रेलवे स्टेशन से बहुत ही क्लोज है, दैट मीन्स लाइक 8 किलोमीटर्स, नॉट मोर देन दैट, सो यू कैन कम एंड एंजॉय इट्स गॉर्जियस ब्यूटी। एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस टाइम एक्चुअली वेदर इज जस्ट लाइक 13 to 16 degree Celsius outside, is amazing actually. I love so much this beauty, and I'm gonna show backside of the video actually. दुनिया के किसी भी वंडर प्लेस की बात करें या फिर किसी भी एक नॉर्मल प्लेस की बात करें तो सबसे पहले आती है फैमिली। फैमिली के लिए आपको बताना चाहूँगा, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो फैमिली के साथ किसी भी टूर पर ना जाना चाहता हो। यदि टाइम है फैमिली के पास तो देख सकते हो कोई भी इंसान है फैमिली के साथ आया हुआ, अकेला आया हुआ है, जो जिसके पास जितना टाइम था उसने इंजॉय किया। जॉब करने का ये मतलब नहीं कि आप जिंदगी को इंजॉय नहीं कर सकते, डिपेंड करता आप उस जॉब को और उस टाइम को किस तरह से यूज करते हैं।
फोन कॉल में या जिंदगी लब के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, अभी ब्लॉग बंद कर रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम हो गया है एग्जिट करने के लिए। राम जी यूट्यूब की फैमिली, आपको सबसे पहले बता देना चाहूँगा, आपको अन्य सारे ब्लॉग लाने वाला हूँ जो कि अभी मनाली जाना है मुझे, और मनाली की ट्रेन है अभी। सबसे पहले मैं अभी कैंट आगरा कैंट से मुझे न्यू दिल्ली जाना है, और न्यू दिल्ली से मुझे मनाली के लिए जाना है। और इस ब्लॉग को दिखाने का सबसे मेन राज ये था कि ये अपना हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इमारत है, और हिंदुस्तान के अलावा ये वर्ल्ड हेरिटेज में इसका नाम है जो यूनेस्को है। और उसके बाद आपको बता देना चाहूँगा वंडर प्लेसेस में दुनिया में सबसे ज़्यादा विजिट करने वाला प्लेस है। तो यदि आप हिंदुस्तानी हैं तो अपने हिंदुस्तान की शान के लिए और अपनी जानकारी के लिए ज़रूर।